सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग, और उसमें एक केस हम पढ़ चुके हैं, और वो केस था गोलाकार आविष्ट पृष्ठ, यानी आविष्ट गोलाकार पृष्ठ उसको कहिए। तो आविष्ट गोलाकार पृष्ठ के कारण उसके आसपास जो विद्युत क्षेत्र बनता है, उस विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे बेलनाकार पृष्ठ को जब हम आवेशित कर दें तो उसके कारण जो आसपास विद्युत क्षेत्र बनेगा, उस विद्युत क्षेत्र में विद्युत तीव्रता कैसे बदलता है, उसका क्या एक्सप्रेशन आएगा। तो उसके लिए देखिए, एक बेलन एज्यूम कीजिए आप, जैसे ये एक बेलन है और जब इस पर आप आवेश देंगे तो आवेश एक सरल रेखा की तरह इस पर वितरित हो जाएगा। अब आवेश से बल रेखा इधर भी निकलेगा, ये साइड भी निकलेगा, ये साइड भी निकलेगा, ये साइड भी निकलेगा, हर तरफ निकलेगा और इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पर आप विद्युत तीव्रता निकाल के देखें। मान लीजिए कि यहाँ से एक स्मॉल आर दूरी पर हम पॉइंट लिए हैं, तो अलग अलग दूरियों के लिए स्मॉल आर का मान फिर हम बदलते जाएंगे और फिर इस तरह से सभी बिंदुओं पर हम विद्युत तीव्रता निकालेंगे। मान लीजिए कि एक तार है, तार का आकृति बेलन का ही होता है और इसको आवेशित कर दिया गया है, आवेश इस पर चढ़ा दिए हैं। आवेश का जो फॉर्म है वो लीनियर फॉर्म है ये, और लीनियर फॉर्म में हम देख रहे हैं कि जैसे लंबाई में आवेश बटा हुआ है, तो इसमें एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा, हम लोग पहले पढ़े हैं, एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा वो आवेश का रेखीय घनत्व कहलाता है। मान लीजिए कि आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है और इस तार से स्मॉल आर दूरी पर, मान लीजिए यहाँ से ये स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, तो इस बिंदु पर आप विद्युत तीव्रता निकालना चाहते हैं। यदि वो विद्युत तीव्रता कैपिटल ई है तो अब आपको एक ऐसा पृष्ठ की कल्पना करना होगा जिस पृष्ठ पर के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता सेम होगा। इसमें देखिए गौर करने की चीज है, हर कुछ बोला नहीं जा सकता है, बहुत कुछ आपको समझना होगा कि ये जो आवेश है, आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगे तो उनका जो सघनता होगा, उनका जो विरलता होगा, समान दूरी पर चारों तरफ समान होगा। तो अब इस बेलन से मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट हम लिए हैं, तो इस बेलन से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट नहीं होगा, बहुत से पॉइंट होंगे, तो उन सभी पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम होगा। तो वैसा पृष्ठ लेना है जिस पृष्ठ के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम हो, विद्युत तीव्रता सेम हो। तो सोचिए जरा कि इसको हम सेंट्रल एक्सिस मान लें, केंद्रीय अक्ष मान लें, और जो ये 5 सेंटीमीटर लिए हैं या स्मॉल आर लिए हैं, तो स्मॉल आर को रेडियस मान करके एक बेलनाकार पृष्ठ यहाँ पर कल्पना करें हम, क्योंकि यहाँ से 5 सेंटीमीटर या स्मॉल आर दूरी जो लिए हैं आप, स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट,
दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, मानो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हो जाइए, उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ घूमिए। मानो हमेशा याद रखें आप कि यहाँ से आपकी दूरी सिर्फ 5 सेंटीमीटर या जो लिए हैं आप वो दूरी पर ही आपको घूमना है। तो घूमने के दरमियान एक पृष्ठ बनेगा और वो पृष्ठ कुछ इस टाइप से बनेगा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, वो पृष्ठ कुछ इस टाइप से बनेगा और ये बेलन का रूप होगा, ये बेलन का रूप होगा। ये बेलन के जो पृष्ठ है वो वक्र है, टेढ़ा है और वो वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी यहां से स्मॉल आर ही होगा। इससे यदि इस तरह से आप घेर लें इसको चारों तरफ, ये बीच में हो, ये जो हम कलम दिखा रहे हैं आपको ये मध्य में हो एकदम, तो फिर ये जो बेलनाकार पृष्ठ जो हम ले रहे हैं ये पृष्ठ के जो भी पॉइंट होगा यहाँ से सेम दूरी पर होगा, चाहे इस पर ऊपर की ओर हो, नीचे की ओर हो, या दाएं हो बाएं हो, जो भी पृष्ठ हो चारों तरफ, वो सब यहाँ से समान दूरी पर होंगे और तब सभी बिंदुओं पर विद्युत तीव्रता कैपिटल ई ही होगा। चाहे पॉइंट यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, गोले गोले घूम जाइए, इधर लीजिए, इधर लीजिए, कहीं भी। तो ये जो पृष्ठ है वो एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता कैपिटल ई होगा। तो उस कंडीशन में ये गौसीय पृष्ठ होगा। अब गौसीय पृष्ठ यदि आप ले लिए हैं तो गौसीय पृष्ठ के कुछ आवेश अंदर है और कुछ बाहर है। यदि मान लीजिए कि इसकी लंबाई L है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है, तो जितना ही लंबा होगा उतने लंबा तार कोई अंदर रखेगा, बाकी जो तार का हिस्सा है वो इस बेलनाकार पृष्ठ से ऊपर हो जाएगा और फिर बेलनाकार पृष्ठ से नीचे हो जाएगा, लेकिन जितना इसकी लंबाई है उस लंबाई के अनुसार उतनी लंबाई का ये तार को ढक के रखेगा। और जितना तार की लंबाई इस पृष्ठ से ढकेगा उस ढके हुए भाग पर जो आवेश होंगे वो पृष्ठ के अंदर होंगे और उसके बाद के जो भाग है उस पर का जो आवेश होगा ये पृष्ठ से बाहर माना जाएगा। तो L लंबाई है तो तार का ढका हुआ जो हिस्सा होगा उसकी भी लंबाई L होगा। तो इस तरह से अब इसके रेखीय घनत्व जो आवेश का है वो लैम्डा है, तो L लंबाई पर टोटल आवेश जो होगा वो L लैम्डा हो जाएगा, Q बराबर L लैम्डा होगा। इतना आवेश इस पृष्ठ के अंदर है, बाकी और भी इस पर आवेश है तार पर, लेकिन इस पृष्ठ के वो बाहर है, ये इतना कंसर्न करके रखेंगे हम। और गॉस थ्योरम फिर लगाएंगे और कैपिटल ई का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम लिखे हैं, ये दूसरा आर्टिकल है गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग का, हम लिखे हैं आविष्ट बेलन के कारण विद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड सिलेंडर। माना कि एक लंबे आविष्ट तार कैपिटल ए बी पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है, इसके कारण स्मॉल आर दूरी पर लैम्डा इस तरह से होता है, से कारण स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर, यहां से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट स्थित है बिंदु पी पर विद्युत तीव्रता कैपिटल ई है, यहां इस पॉइंट पर विद्युत तीव्रता कैपिटल ई है। तो कैपिटल ई का मान ज्ञात करने के लिए ए बी को केंद्रीय अक्ष मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का एक बेलन एम एन एल एच पर विचार करते हैं, एम एन एल एच पर विचार करते हैं जो बेलनाकार है, जिसका वक्र पृष्ठ पर के सभी बिंदु, जिसका वक्र पृष्ठ जो घुमा हुआ पृष्ठ है बाहर वाला, वो वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु जो होगा इस तार से बराबर दूरी पर होंगे, समान दूरी स्मॉल आर पर होंगे और इन पर विद्युत तीव्रता कैपिटल ई होगा। अतः बेलन
MNLH का वक्र पृष्ठ गौसिय पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 2πRH होता है। तो 2πR और H, H तो ये बेलन की लंबाई H न लेकर के हम A ले लिए हैं, तो 2πRH न होकर के 2πRL होगा, जहां L बेलन की लंबाई है। पृष्ठ के अंदर जो आवेश होगा, यही बेलन के जो अंदर जो आवेश होगा, बेलनाकार पृष्ठ के जो अंदर आवेश होगा, वो इसकी लंबाई के बराबर तार पर जो होगा वही होगा। उसके नीचे और इसके ऊपर के जो आवेश होंगे ये पृष्ठ के बाहर हो जाएंगे। तो हमें अंदर का आवेश की बात करना है, और अंदर जो आवेश होगा वो एल लैम्डा होगा। एल लंबाई पर का जो आवेश होगा एल लैम्डा होगा, क्योंकि एकांक लंबाई पर का आवेश लैम्डा है। अब देखिए विद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला है, ये जो गौसिय पृष्ठ है, तो ये गौसिय पृष्ठ से हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और गौसिय पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स का फार्मूला, जो फंडामेंटल फॉर्म है, स्केलर फॉर्म कहिए, वेक्टर फॉर्म नहीं, आप दोनों में से किसी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो फाई बराबर ई इंटू एस कोस थीटा है। तो ये ई के जगह पर ही जो इस पॉइंट पर का विद्युत तीव्रता है, या गौसिय पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर जो विद्युत तीव्रता है कॉमन है, वो कांस्टेंट होता है गौसिय पृष्ठ के लिए, वो कैपिटल ई का मान, वैसे ही ईसी का मान तो ज्ञात करना है, और एस, एस उस गौसिय पृष्ठ का एरिया है, तो गौसिय पृष्ठ का एरिया 2πRL है, इसलिए एस के जगह पर 2πRL लिखे हैं। अब कोस थीटा, तो ये बार बार आपको आएगा, जब जब आप स्केलर फॉर्म से निकालेंगे थीटा का मान आपको रखना ही होगा। तो थीटा के लिए जरा देखिए, याद कीजिए आप, ये थीटा वो कोण है जो विद्युत बल रेखा और पृष्ठ पर जो अभिलंब रेखा है दोनों के बीच जो कोण बनता है। तो ये पृष्ठ पर, यहाँ से जो बल रेखा निकलेगा पृष्ठ पर अभिलंब ही होगा। तो पृष्ठ पर जब बल रेखा अभिलंब होगा तो अभिलंब के साथ फिर 0° कोण बनाएगा, और उस तरह से फिर थीटा का मान यहाँ 0 हो जाएगा, और तब इनका मान 1, और इस तरह से विद्युत फ्लक्स का मान होगा E इंटू 2πRL। परंतु गौस साहब जो कहते हैं, वो कहते हैं कि पृष्ठ से जो बाहर आवेश है उसके कारण तो फ्लक्स बंद पृष्ठ से 0 होता है, परंतु जो आवेश पृष्ठ के अंदर है उसके कारण जो फ्लक्स होगा वो Q बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। यदि आप हवा में या निर्वात में काम कर रहे हैं तो फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट, जहां Q क्या है, तो उस पृष्ठ, उस बंद पृष्ठ के अंदर का आवेश है। अब लगता होगा कि ये जो वक्र पृष्ठ है तो वो तो बंद है, लेकिन फिर इधर से और इधर से खुला है, लेकिन इस पृष्ठ, जो पृष्ठ की बात है अभी हम निकाले, ये पृष्ठ से बल रेखाएं टकराएंगे ही नहीं। बल रेखा तार से जब निकलेगा, तार से निकलेगा तो सीधा उसके सामने जो पृष्ठ होगा उसको काटेगा, और सामने सिर्फ वक्र पृष्ठ है, इसलिए फ्लक्स सिर्फ वक्र पृष्ठ से बनेगा। ये जो आप वृत्ताकार जो आप देख रहे हैं पृष्ठ, उस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं नहीं टकराएंगे, इसलिए उनका फ्लक्स 0 होगा। अब वक्र पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स बनेगा, ये आवेश एल लंबाई पर के आवेश से निकलने वाले सभी बल रेखा यही वक्र पृष्ठ से टकराएंगे, तो उन सभी बल रेखाओं के कारण कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, और इस तरह से क्यू का मान हम रखे हैं, क्यू का मान एल लैम्डा है, तो एल लैम्डा बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी उसी वक्र पृष्ठ का फ्लक्स है और ये भी उसी वक्र पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स है, दोनों का आप इक्वल करें, फिर L से L को आप काट दें, 2πR इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में होगा, और इस तरह से बिंदु P पर का विद्युत तीव्रता का सूत्र लैम्डा बटा 2πε एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होगा। तो अब जरा इस पर देखिए, इस पर आप विचार करें, ये फार्मूला को आप मंथन करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। जैसे लैम्डा, लैम्डा पर विचार कीजिए, तो लैम्डा वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये जो तार आप लिए हैं, तार पर जो आवेश का वितरण है वो फिर फिक्स्ड है, वो एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा
वो बदलने की चीज नहीं है, फिर दूसरा तार या और आवेश रखेंगे तो फिर उसका मान बदलेगा, लेकिन एक आविष्ट तार के लिए ये कांस्टेंट है। और टू तो संख्या है, पाई भी एक संख्या ही है, और एप्सिलॉन नॉट भी फिक्स है किसी भी माध्यम के लिए। बात रह गया दूरी, ये आर बदल सकते हैं आप, बिंदु पी को थोड़ा सा और नज़दीक ले आएंगे तो आर का मान कम हो जाएगा, और तार से थोड़ा सा बिंदु पी को और दूर हटा देंगे तो स्मॉल आर का मान और बड़ा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि स्मॉल आर का मान जब बढ़ेगा तो चूंकि स्मॉल आर से टोटल में भाग पड़ना है, तो जिस राशि से भाग होना है उसका मान जब बढ़ेगा तो बड़ा चीज से भाग देंगे तो ऑलरेडी छोटा होगा, और जब छोटा चीज से भाग देंगे तो इसका मान कम छोटा होगा यानी अधिक होगा। तो स्मॉल आर का मान जब बढ़ाएंगे तो टोटल का मान घटेगा, और स्मॉल आर का मान जब कम करेंगे तो टोटल का मान बढ़ेगा। तो यानी जब बिंदु पी को तार से दूर ले जाएंगे तो विद्युत तीव्रता का मान कम होगा, और नज़दीक लाएंगे तो विद्युत तीव्रता का मान अधिक होगा। तो एक पॉइंट एक बिंदु पर जब आवेश था तब उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बन रहा था उसमें विद्युत तीव्रता का जो हम एक्सप्रेशन निकाले थे वो दूसरे रूप का था, और फिर जब वो आवेश एक गोलीय पृष्ठ पर वितरित कर दिए थे तब उसका नेचर अलग था। तब वो नेचर था कि गोलीय पृष्ठ जो आवेशित है उससे बाहर जो क्षेत्र है वो बाहर का विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, ठीक उसी तरह के जैसे एक पॉइंट पर आवेश रखने से मिलता है, लेकिन वो गोलीय पृष्ठ के अंदर जब आप जाएंगे तो फिर विद्युत क्षेत्र नहीं बनता है, तो उसका नेचर उस टाइप का मिला। यहाँ जो नेचर है कि जब तार को एक पॉइंट पर न रह करके एक रेखा के रूप में उसको व्यवस्थित कर देंगे तब भी उसके आसपास विद्युत क्षेत्र बनेगा, लेकिन उस विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कुछ इस टाइप से होगा, दूरी चेंज करने पर इस फार्मूला के अनुसार वो चेंज करेगा। तो हमें इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर के बारे में जानना है, और ये सबको बाखूबी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल पर आएंगे तो इनका भरपूर इस्तेमाल करेंगे, और आपको जब कंप्लीट रहेगा तो न्यूमेरिकल समझेंगे भी और आप बनाएंगे भी, और फिर हम लोग आगे बेहतर तैयारी करने में सफल होंगे। तो थैंक यू, अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे, लॉकडाउन में आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जो भी वीडियो हम लोग बना करके काफ़ी मेहनत करके बनाते हैं तो उसको आप अंत तक देखिए, और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो इसका आपको छूट ना पाए। हाँ, मेरा जो भी वीडियो होगा उसको अंतिम तक देखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी थ्योरी है उसका जो सारांश है उसका जो यूटिलाइजेशन है उसको बारे में हम लास्ट में बोलते हैं, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखें। रात में देखते देखते सो मत जाना, जागे रहो, थोड़ा सा मेहनत करो, और हम लोग लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा ना खो दें, वो ज़्यादा लॉस में ना चले जाएं, इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है, और हमारा ये कोशिश तभी सफल होगा जब आप घर पर मेहनत करेंगे। अपने दोस्त, अब यदि आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप अपने दोस्त से मदद लीजिए, या फिर घर पर और कोई फैमिली का यदि मोबाइल है तो उसको अच्छे तरह से सैनिटाइज करके और तो फिर उसको आप इस्तेमाल करें। सुरक्षित रहिए, हम लोग जिंदा रहेंगे तो ज़रूर हम लोग एक अच्छा दिन भी देखेंगे। अभी हम लोग सबके लिए ये जो समय चल रहा है बड़ा क्लिष्ट टाइम चल रहा है, और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ही बीमारी पर सरकार लगी हुई है, बहुत जल्द इसको अपने कब्जे में करेगी, और हम लोग जैसे पहले पढ़ते थे उस तरह से फिर पढ़ेंगे और आगे की तैयारी करेंगे। सो थैंक यू।